आईसीएमआर ने और एम्स ने मिलके उसकी उस स्टडी खुद भी स्टार्ट की थी, वो अभी तक उसमें काफ़ी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है शायद। दिल्ली सरकार इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और ट्रायल जो रन किए गए उनसे परमिशन लेके ही कर रहे हैं सारे, ऐसा तो है नहीं, उनसे परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया जा चुका है और मैं तो खुद प्लाज्मा से मेरी जान बची है, तो मैं तो इसको कहूँगा कि भाई दिस इज ऐसा नहीं करना चाहिए। सर लग रहा है कि अगर दिल्ली के लिहाज से हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी पे खासकर, आपने खुद कहा कि आपकी जान बची है, तो दिल्ली का आंकड़ा इस तरीके से है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा फायदा मिलते हुए दिख रहा है? बिल्कुल, 2000 से ज्यादा लोगों को बैंक के थ्रू दिया गया, जिन्होंने डायरेक्ट कोई डोनर मिलकर उससे लिया वो अलग है, जो हमने ILBS में बैंक बनाया उसी से 2000 से ज्यादा को इश्यू किया जा चुका है। सर दिल्ली पहला राज्य था जहाँ प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई, क्या लगता है कि अगर इस पे बैन किया जाता है या इस पे रोका जाता है तो दिल्ली सरकार खुद अप्रोच करेगी केंद्र से या ICMR से बात करेगी इसको जारी रखने? उसके बाद तो अमेरिका ने भी कहा कि इसके फायदे हैं और रिसर्च चल रही है ना पूरी दुनिया में और उसमें पायनियर दिल्ली है, तो दिल्ली उसमें सबसे आगे है और फायदा तो मिल रहा है डेफिनेटली। जिन लोगों को प्लाज्मा दिया गया उनके परिवार से पूछिएगा, बिल्कुल है।